वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले हम पिछला रैपिड फायर राउंड में आपसे पूछे गए सवाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पिछला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो सवाल था, दिलवाला मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में, पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, इंदौर में या फिर माउंट आबू में? दोस्तों, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में। दोस्तों, दिलवाला मंदिर एक जैन मंदिर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वत के गुरु शिखर पर स्थित है। दोस्तों, अब देखते हैं हम आज का पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का। दोस्तों, पहला सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से या फिर संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति अब आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120 या फिर अनुच्छेद 123? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में या फिर लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह या फिर 8 माह? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 वीक्स यानी कि 6 सप्ताह। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध या उपरोक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो शक्तियां हैं, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध एवं पॉकेट निषेध। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री का कैबिनेट? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार ग्रहण कर देंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायी या व्यक्तिक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विधायी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों में बुद्धि का अभाव? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। दोस्तों, आय में असमानता के कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी व्याप्त होती है। दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, हरित सूचकांक
किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुधार विकास प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता या फिर प्रौढ़ साक्षरता। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं होती है। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय एवं प्रौढ़ साक्षरता इन सभी मानव विकास सूचकांक में शामिल किए गए हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। दोस्तों यदि अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या फिर व्यय विधि। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निवेश विधि। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोड्यूस में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, इमदाद यानी कि सब्सिडी या फिर ब्याज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस में एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, कर यानी कि टैक्स, इमदाद यानी कि सब्सिडी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का अधिवेश या फिर निर्यात में से आयात घटाकर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्रों से या फिर विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्रों से यानी कि सर्विस सेक्टर से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्ण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय। तो दोस्तों विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, यहाँ पर पूरे साल एक जैसा मौसम व्याप्त होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की या फिर आर्थिक और प्रजातीय की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की।
दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। जहाँ की जलवायु जैसी होती है वहाँ का प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वेजिटेशन वैसा ही होता है। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका, उत्तर और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस, या फिर भारत और पाकिस्तान? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वे हैं मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, या फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, वेग यानी कि वेलोसिटी, या फिर आयाम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ध्वनि का पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, या फिर धातु से संबंधित? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल या फिर नीला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। तो दोस्तों इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। लास्ट क्वेश्चन इज, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। तो दोस्तों वातावरण में व्याप्त धूल कणों के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है। नाउ दोस्तों बिफोर वी वाइंड अप द टुडेज रैपिड फायर राउंड वी विल गिव यू अ क्वेश्चन फॉर यू। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। दोस्तों आज का सवाल है आपके लिए कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? यानी कि तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसे संबंधित और भी जानकारी यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, जिससे सभी छात्रों को फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड इसी सवाल के साथ संपन्न होता है। हम फिर कल उपस्थित होंगे आपके समक्ष 25 सवालों को लेकर। दोस्तों आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स अभी आ गए हैं, FCI के एग्जामिनेशन हो जाए या फिर NTPC जो आने वाला है, फिर CHSL के एग्जामिनेशंस हैं। दोस्तों इन सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं। दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आखिरी में हम रोज आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जवाब आप ढूंढ कर हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को आप फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।